मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस सतर्क एवं सजग बनी हुई है। इसी क्रम में चलते हुए दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित सेवड़ा की दिशा निर्देशन में सेवड़ा थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा 11 माह पुरानी लूट का खुलासा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जनवरी 2021 को रविंद्र बघेल अपनी दुकान बंद कर अपने गांव इटोदा वापस जा रहा था, जिसे रास्ते में 2 युवक द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें फरियादी का मोबाइल, एटीएम कार्ड, नकदी एवं मोटरसाइकिल बदमाश ले उड़े थे। उक्त घटनाओं को लेकर फरियादी द्वारा सेवड़ा थाने में मामला पंजीबद्ध करा दिया था। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर घटना का आरोपी कमल सिंह राठौर धर दबोचा गया, जिसके पास से एक मोबाइल, 5,000 नगद जब्त कर लिए गए हैं। और इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इस संदर्भ में विषय यह है कि 6/1/2021 को फरियादी रविंद्र बघेल वो अपने पारिवारिक कार्य से अपने बच्चों के साथ में अपने गांव से वापस जा रहे थे इटौदा, तो रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल को रोक लिया गया 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल से, और उनका नकद रुपये, एटीएम कार्ड और मोबाइल छिना लिया था। उनकी सूचना पर से थाना सेवड़ा में धारा 392/11/13 MPDPK का अपराध पंजीकृत किया गया था। पुलिस को द्वारा लगातार उसकी पतारसी की गई। मुखबिर तंत्र के माध्यम से उनको थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा को सूचना मिली और उनके स्टाफ ने सक्रियता भूमिका निभाई। उसके फलस्वरूप मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई तो आरोपी करण सिंह राठौर को पकड़ लिया गया, हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उससे एक मोबाइल और नगद 5,000 रुपये बरामद हुए। एक उसका साथी है जयदेव तिवारी, वो एस्कॉर्ट कर रहा है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी वो जयदेव तिवारी के पास है, जो आगे रिकवर कर ली जाएगी। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने धीरेन्द्र मिश्रा थाना प्रभारी सेवड़ा और उनके स्टाफ को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा इस सफलता के लिए की गई है। दतिया सेवड़ा से लोकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट।